हेलो एवरीवन, बेनिफिट ऑफ नेचर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा, आज मैं आपको बहुत अच्छी पोटैटो की क्रीम बताऊंगी। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका स्किन पर लगाने पर, और जैसे जैसे आपकी एज होती रहती है, आपके छोटे बच्चे हैं तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, अब मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मेरी भी छोटी बेटी है, मेरा बेटा भी है, तो अब क्या होता है, जैसे जैसे हमारी एज होती रहती है तो हमारी स्किन को बहुत ज्यादा पोषण की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा स्किन को एक ऐसी चीजें चाहिए होती है हमारी स्किन पर, जो हमारी स्किन को हमेशा के लिए ग्लो बनाए रखे। हमारी स्किन पर जो झुर्रियाँ हो जाती हैं, झाइयाँ हो जाती हैं, वो बिल्कुल ना हो। तो और बहुत लोगों को ऐसा होता है, जैसे प्रेग्नेंट होती हैं उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, तो उनको यहाँ बहुत ज़्यादा झाइयाँ हो जाती हैं, तो और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी किसी को फोरहेड पर भी हो जाती है। तो उन सबके लिए मैं आज आपको एक बहुत अच्छा सोल्यूशन बताऊंगी। ये मैं आपको पोटैटो क्रीम के रूप में बताऊंगी। इसे आप लगाकर रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, दिन में भी लगा सकते हैं आप इसे, रात को सोने के टाइम पर भी लगा सकते हैं आप इसे, मतलब एक तरीके से डे नाइट दोनों तरीके से आप इसे फेस पर लगा सकते हैं। आप जब किचन में काम करते हैं आप उस टाइम इसे लगाइएगा, यानी कि आप दिन में जितनी बार 3 बार फेस को वॉश करते हैं, तो 3ों बार फेस को वॉश करने के बाद आप उसे लगाइएगा। क्योंकि जैसे हम लोग नहाते हैं सुबह को, नहाने के बाद कोई ना कोई क्रीम हमें जरूर लगानी चाहिए फेस पर, तो सुबह को नहाने के बाद भी आप उसे लगा सकते हैं। एक दोपहर को, जैसे हम दोपहर को सारा काम वाम निपटाते हैं, जैसे चाय बनाते हैं शाम को, तो उस टाइम पे हम थोड़ा सा फेस को वॉश कर लेते हैं, उसके बाद भी आप उसे फेस पर अप्लाई कीजिएगा। और रात को सोने से पहले तो आपको जरूर ही लगाना है उसे। जिन लोगों को बहुत ज्यादा झाइयां हैं, बहुत ज्यादा निशान है फेस पर, उनके लिए तो इसे आप 3ों टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, और घर में भी लगा सकते हैं आप, इसे बाहर भी लगा के जा सकते हैं। क्योंकि इसमें मैं जो चीज इस्तेमाल कर रही हूँ वो फेस के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी और बहुत ज्यादा असरदार है। तो इस पोटैटो क्रीम को बनाना कैसे है, उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए, चलिए वो शुरू करते हैं हम वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अब देखिए, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या लेना है, एक छोटा सा आलू लेना है, और इसे हम मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे। तो सबसे पहले हमें एक आलू को पीसना है, अच्छे से धोकर आप इसे मिक्सी में पीस लीजिएगा। और आपको फिर क्या करना है, इस आलू को, एक आलू लेना है मध्यम आकार का, छोटा आलू लेना है आपको, उसको आप इस तरीके से देखिए मिक्सी में इस तरीके से बहुत बारीक पीस लेंगे। और चलिए अब शुरू करते हैं इसे बनाना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आलू लेना है, इसको हम थोड़ा सा छान लेंगे, क्योंकि जो आलू का जो रस होता है वो हमें इसके लिए चाहिए। देखिए इस तरीके से, और इसको आपको इस तरीके से अच्छे से इसमें दबाना है, पूरा निकालना है, जिससे कि आलू की जो थोड़ा थोड़ा थिकनेस होती है वो भी हमारी इसमें बाउल में आ जाए। तो इस तरीके से हम इसे दबाकर अच्छे से इसका जो आलू का थोड़ा सा रस है वो लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, तो जब हम इस तरीके से इसे छानेंगे तो इसका क्या होता है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा जो थिकनेस होती है वो ये निकलेगी, और ये हमारे फेस पर जब हम अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, फेस पर हमारे लगेगी भी नहीं। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा छानकर इसका जो एसेंस है, आलू का जो रस है वो ले लेंगे। इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से आप एक कटोरी में छन्नी को रखकर इसमें पूरा जितना भी आपने पीसा हुआ आलू का है वो इस तरीके से छन्नी में डाल देंगे, और इसको पानी में रखने के बाद ही आप इस तरीके से चलाते रहिएगा। क्योंकि इससे क्या होगा, जो आलू के बहुत ही बारीक बारीक पेस्ट है वो हमारा एक बाउल में आ जाएगा, और इस तरीके से आपको चलाते रहना है इसे। ये देखिए इस तरीके से, तो ये काफ़ी हद तक कम हो चुका है, क्योंकि इसमें जो हमारा नीचे बाउल है इसमें जो जितना भी इसका गाढ़ा पेस्ट है वो इकट्ठा हो रहा है इस तरीके से। एक दो मिनट तक आप इसे चलाएंगे ना इस तरीके से, तो जितना भी इसका थिकनेस है ना वो आलू का सारा एक बाउल में आ जाएगा नीचे। ये देखिए इस तरीके से, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है स्किन को फेयर करने के लिए। ये आपकी झुर्रियों झाइयों के लिए तो अच्छा ही है, ये 1 से 2 टोन तक आपके कलर को भी फेयर कर देगा। 1 हफ्ते में ही आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे तो आप एक रात लगाएंगे तो एक रात में आपको फर्क लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन कलर फेयर होने में, जिन लोगों का कलर बहुत ज्यादा डार्क है वो अगर इसे रेगुलर यूज करेंगे तो बहुत जल्दी कलर फेयर होता है आलू से, क्योंकि आलू हमारी स्किन को ब्लीच करता है और जितने भी पिंपल्स वगैरह के निशान है सबको साफ करता है, स्किन को फेयर करता है इस तरीके से। देखिए, और अब हम इसे निकाल लेंगे, अच्छे से प्रेस करना है आपको, जितना भी इसका पूरा असर है वो सारा निकाल देंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हम निकाल लेंगे, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, नीचे से पूरा इसका जितना भी आलू का गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट है वो नीचे रह गया है। अब इसे आप थोड़ी देर से छोड़ दीजिएगा, उसका जो ऊपर का पानी है वो हम निकाल देंगे, और नीचे का जो आलू का गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट है ना वो हम नीचे से निकाल लेंगे। ये इतना पानी इसलिए हो गया क्योंकि मैंने नए आलू का इस्तेमाल किया था, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम है तो नए आलू आने शुरू हो जाते हैं इस टाइम में, तो पुराने वाले आलू का इतना इफेक्ट नहीं होता जितना नए आलू आजकल आते हैं तो उनका इफेक्ट होता है। तो इस तरीके से अब इसे थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा, तो उसके बाद ऊपर का पानी जो होता है वो आलू का वो हम निकाल देंगे, वो आपको एक बहुत अच्छा उस तरीका बताऊंगा। और अब आप देख सकते हैं, जो मैंने इसका पानी था ऊपर का वो उतार दिया हो, और नीचे ये कितना गाढ़ा पेस्ट रह चुका है, देखिए आप कितना गाढ़ा है।
और अब हम इसमें क्या मिलाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ इसको और अच्छा बेस्ट रिजल्ट देने के लिए। तो सबसे पहले एक आपको साफ कटोरी लेनी है या फिर एक डब्बी आप जिसमें इसे भरकर रख सके आराम से। तो उसमें हमारा जितना ये सिरम है आलू का वो हम इसमें डाल देंगे। तो ये मेरा लगभग 2 चम्मच के करीब बन चुका है, ये देखिए इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे इसको अच्छे से। आपको पूरे बाउल में से पूरा निकाल देना है, ये देखिए इस तरीके से ये मैंने एक खास इस बाउल में डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा एलोवेरा जेल, क्योंकि एलोवेरा जेल भी बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। इस तरीके से हम इसमें डालेंगे लगभग 1 फुल टीस्पून करके, ये चम्मच मैंने भर के डाली है, लगभग 1.5 चम्मच के करीब है ये मेरा। इसमें हम एलोवेरा जेल डालेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बिल्कुल 1 बूंद के करीब, 1 से 2 बूंद डालेंगे हम इसमें ग्लिसरीन की, ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि ये सर्दियों में भी गर्मियों में भी दोनों ही मौसम में आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसमें चाहे तो अब एक थोड़ा सा इसमें ऑयल डालना है, चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा किसी भी जो भी आपको ऑयल पसंद है, कोकोनट ऑयल, ऑलमंड ऑयल, आपको जो भी आपके पास ऑयल है वो इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा जो हमारा जैतून का तेल है वो डालूंगी, जितना हमने 1 से 2 बूंद हमने इसमें ग्लिसरीन डाली है उतना ही हम इसमें 1 से 2 बूंद बस हल्का सा डालेंगे। ये इसलिए क्योंकि जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है वो इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लें, जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है वो बिल्कुल भी ऑयल ना डालें, जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है वो ही इसमें ऑयल डालें। ग्लिसरीन सब डाल सकते हैं इसमें, ऑयली स्किन वाले भी, नॉर्मल स्किन वाले भी। इसलिए अब इन सब चीजों को हमें अच्छे से फेंटना है, और जब हम इसे फेंटेंगे तो ये एक बहुत अच्छा क्रीम के बेस में आ जाएगा। जिस तरीके से हम क्रीम को देखते हैं लगाते हैं फेस पर, ये उसी तरीके से हो जाएगा। तो अब इसे हम थोड़ा सा फेंट लेते हैं, जितना हम इसको फेटेंगे उतना ही थिक होता चला जाएगा ये, क्योंकि हमने इसमें एलोवेरा डाला है। तो एलोवेरा से क्या होता है, जब हम इसे क्रीम के शेप देंगे तो उस तरीके से इसे फेटने के बाद वो क्रीम के उसमें आ जाएगा बिल्कुल, जैसे हम क्रीम लगाते हैं। और अभी आप देख सकते हैं इसे मैंने बहुत अच्छे से फेट लिया है और ये बिल्कुल जैसे हम क्रीम लगाते हैं उस तरीके से बन गया है। ये देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल क्रीम की शेप में आ गया, जैसे कि हम क्रीम बनाते हैं। मार्केट वाली कोई भी आप क्रीम लगाते हैं वो इसी तरीके की होती है। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से हो गया, ये बहुत ही गाढ़ा और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। आप जब किचन में वर्क करते हैं आप इसे अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिएगा, तो उससे क्या होगा किचन की जितनी भी डर्ट है वो आपके फेस पर नहीं लगेगी। आप कहीं जाते हैं तब आप फेस को वॉश करने के बाद इसे लगाइए। मेरा मानना तो यह है कि अगर आप इसे तीनों टाइम भी फेस को वॉश करने के बाद, फेस को क्लीन करने के बाद इसे अप्लाई करेंगे तो आपके फेस पर जो झाइयों की दिक्कत है वो आपकी 1 हफ्ते में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पुराने से पुरानी झाई भी आपकी 1 हफ्ते में इससे बिल्कुल खत्म हो जाएगी। स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, फेस को बिल्कुल साफ कर देगा एकदम, जैसे तो उनकी स्किन क्या होती है बहुत ही शाइन करती है, बहुत ही अच्छी होती है। तो आपकी स्किन भी बिल्कुल ऐसी हो जाएगी। बस आपको इसे रेगुलर तीनों टाइम अपने फेस पर अप्लाई करना है। जितना अच्छा इसका रिजल्ट है, आप मार्केट वाली इस महंगी से महंगी क्रीम भी इसके सामने फेल है अगर आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करेंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट है, आपको एक ही दिन में इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और 7 डे चैलेंज मैं आपको दे रही हूँ, अगर आपने रेगुलर 7 दिन तक इसे तीनों टाइम फेस को वॉश करने के बाद अप्लाई कर लिया तो आपके फेस का रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। फेस बहुत ही शाइनी करेगा, बहुत ही सारी प्रॉब्लम जितनी फेस की है सब खत्म हो जाएंगी। तो चलिए इसे लगाना कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, देखिए मैं टॉवल से अच्छे से फेस को साफ कर लूंगी, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले फेस को वॉश किया था, लेकिन थोड़ा मॉइस्चराइजर तो लगाना पड़ता है, विंटर का टाइम है। तो इस तरीके से मैं फेस को देखिए अच्छे से साफ कर लेती हूँ पहले। और अभी हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको क्रीम बताई थी ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेना है। जब आप अप्लाई करेंगे थोड़ा सा मिक्स कर लीजिएगा, और ये बहुत ही गाढ़ी बन चुकी है देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी क्रीम को लेंगे अपने हाथ पर और इसको अच्छे से हाथ पर मलने के बाद आप फेस पर इस तरीके से अप्लाई कीजिए, ये देखिए इस तरीके से। लगभग आपको 1 से 2 मिनट तक उसको फेस पर ऐसे ही अप्लाई कर छोड़ देना है इस तरीके से। यहाँ आपको जरूर लगाना है, क्योंकि क्या होता है इसमें मैंने पोटैटो डाला है, तो जिन लोगों को यहाँ डार्क सर्कल है तो वो इस तरीके से अपने यहाँ पर अप्लाई करेंगे आईज के नीचे, तो उनके डार्क सर्कल की दिक्कत है ना वो 7 दिन में ही बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इस तरीके से आपको इस तरीके से अंडर आई लगाना है, इसको इस तरीके से आपको अप्लाई करना है।
क्योंकि ज्यादातर झाइया भी आपको यही निकलेंगे। यहाँ पर अच्छे से आप इस तरीके से अप्लाई कीजिएगा, जहां जहां आपको झाइया है वहां थोड़ा और हल्का सा अप्लाई करना है आपको, इस तरीके से मसाज करनी है उसकी 1 से 2 मिनट तक इस तरीके से। बहुत लोगों को नोज पर भी बहुत ज्यादा झाई निकल जाती है यहाँ, तो आप नोज पर इस तरीके से इसको अप्लाई कीजिएगा। इस तरह नोज की मसाज करने के बाद इस तरीके से यहाँ अप्लाई करें। इस तरीके से क्या होता है, नोज के ऊपर अच्छे से ये अप्लाई हो जाएगी तो जो नोज के ऊपर झाइया निकल जाती है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। आईज के नीचे आपकी जो अंडर आईज बहुत ब्लैक हो जाते हैं किसी की, इस तरीके से आप आईब्रो के ऊपर भी आपको इस तरीके से यहाँ इस तरीके से लगाना है, तो यहाँ भी ये स्किन बहुत ज्यादा लूज होती है तो ये भी बहुत ज्यादा जल्दी ब्लैक पड़ जाती है। इस तरीके से आईज के आसपास आप जरूर लगाएं इस तरीके से, और आपको पूरे फेस पर अप्लाई करना है और इस तरीके से आपको इसे छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे आपके सामने फेस पर अप्लाई किया है, मेरे फेस पर ना तो बिल्कुल भी चिपचिपापन है, ना ही इससे ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई भी होममेड क्रीम लगाई है, बहुत स्किन ऑयली हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये 7 डे चैलेंज मैं आपको दे रही हूँ, तो मेरे यहाँ पर भी देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे एक स्पॉट पड़ा हुआ है यहाँ, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलते हैं और यहाँ पर मुझे हल्का सा ये देखिए यहाँ पर भी पड़ा हुआ है निशान, तो मैं यही इस्तेमाल कर रही हूँ और मेरे जो पिंपल्स के निशान हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट हो गए हैं। वैसे मुझे झाइयाँ तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि पिंपल्स के निशान जो हैं वो मेरे बहुत जल्दी इससे बहुत ही जल्दी हल्के हो गए हैं, क्योंकि पोटैटो में क्या होता है, नेचुरल ब्लीच होता है, जो फेस की जितने भी आपके फेस पर पिंपल्स के निशान हैं, झाइयाँ पड़ गई हैं, आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हो गए हैं, उन सबको वो ब्लीच करता है नेचुरल तरीके से, फेस को ग्लोइंग कराता है, फेस की जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है उन सबको दूर करेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो आप इसे बनाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा, उसके बाद कैसा लगा वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो किसी और के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस चीज़ का फायदा उठा सके। और घरेलू चीज़ें हैं, होममेड चीज़ें हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ती हैं, क्योंकि बाजार वाले आप इतनी महंगी क्रीम इस्तेमाल करेंगे उसका रिजल्ट आपको इतनी जल्दी नहीं मिलेगा जितनी जल्दी आपको घर की चीजों का रिजल्ट मिलता है। क्योंकि पोटैटो में आप देख सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं कहीं भी, पोटैटो में नेचुरल ब्लीच होता है जो स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसे लगाने के बाद आपको कोई भी ब्लीच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी फेशियल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप फेशियल कराने जा रहे हैं बाजार में तो उससे पहले आपको मैं आपको 7 डे चैलेंज देती हूँ, आप इस क्रीम को लगाकर अपने फेस पर अप्लाई कीजिएगा। तो इसको 7 डे में आप कोई भी मार्केट वाला फेशियल, कितना भी महंगा फेशियल कराते हैं, वो उसके सामने बिल्कुल फेल है। 7 दिन में आपकी स्किन ऐसी हो जाएगी कि आपने कम से कम 2,500 से 3,000 वाला फेशियल कराया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका स्किन पर। तो आप इसे बनाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा, कैसी लगी वो मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन।